नमस्कार। ऑटोमेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम रविवार को 7 बजे होता है और इसमें ड्रामा से, फिल्म से, टेलीविजन से, बैक स्टेज म्यूजिक, डांस सभी लोग आते हैं और उससे गपशप होती है, बातें होती है कि उन्होंने अपनी फील्ड में कैसे आगे बढ़े, किस तरह से काम किया और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। उस बारे हमारा भी और जो लोग जुड़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स सबका लाभ होता है। हमें उन पर्सनालिटीज के थ्रू, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि हम जिंदगी में क्या काम करें, कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। उसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र बहल जी। आप पटियाला यूनिवर्सिटी से ये प्रोफेसर हैं, वहाँ से वहाँ पढ़ाते थे और साथ में आप फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, एक्ट्रेस हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि मैडम से हमें बात करने का मौका मिल रहा है। चलिए मैम से बातें करते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं मैम के साथ मिलके। मैम बहुत 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 थैंक यू मैम, आपसे बात करने का हमें मौका मिल रहा है और इस बारे में हमें बहुत सारी चीज पता चलेगी मैम। क्योंकि जब आपने थिएटर शुरू किया था तब हम पैदा हुए थे मैम, तो हमें बहुत सारा उस समय का थिएटर हमें खुद नहीं पता है कैसे होता था, किस तरह से होता था। तो बहुत सारी चीजें, किताबें, हमारे यहाँ किताबें लिखने की परंपरा नहीं रही है मैम, बहुत बाद में किताबें लिखी जाने लगी। तो पुराने लोगों से बातचीत करके बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो मैम आपके तो मतलब पापा जी थिएटर करते थे, तो आपकी शुरुआत उस समय किस तरह का थिएटर हुआ आवाज था? बीच में कट रही है गोविंद। आपकी अच्छा मैम, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ मैम। वेट आवाज कट रही है बीच में। मैम, मैम अब ठीक है आवाज? अब ठीक आ रही मैम? बेटर पहले से जी ठीक है। जी मैम, तो ये था कि मतलब आपने किस तरह से थिएटर से जुड़े, किस तरह से थिएटर शुरू किया, और आपने तो बचपन से शुरू किया था मैम। मैं तो चाहूंगा कि जब आपने शुरू किया उस समय किस तरह का थिएटर होता था, क्योंकि उसका इतिहास हमें कहीं नहीं मिलता, आपसे ही सुन के हमें पता चलेगा उस समय का रंगमंच किस तरह का था, किस तरह होता था। तो जरूर मैम आप वहां से बताएं मैम। गोविंद, मैंने जब काम शुरू किया एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, अपने पिताजी जो साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग प्ले राइट थे सरदार कपूर सिंह घुम्मन, उनके नाटकों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। हैरानी की बात है कि ये जो मैं बात कह रही हूँ ये 60s की बात है। हैरानी की बात यह है कि पार्टीशन के बाद दिल्ली में सेटल हुए जब मेरे पिताजी, तो वो नाटककार थे, नाटक लिखते थे, नाटक स्टेज करते थे, तो लड़की ढूंढनी बहुत मुश्किल होती थी उस वक्त। जी मैम, तो जो पहला नाटक वो कर रहे थे, उनकी हीरोइन जो थी 4 दिन पहले शो के आना बंद हो गई क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी सडनली। तो मेरी माँ को एक्ट करना पड़ा, मेरी माँ एक्टर बन गई, 4 दिन में नाटक तैयार करके शो किया उन्होंने। तो घर में उस तरह की रवायत एक तरह से शुरू हो गई। हमारे रीजन में, पंजाब में जो बाकी प्लेराइट्स थे उनकी भी कुछ एक की पत्नियां उनके साथ काम करती थी। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात थी थिएटर में कि लड़कियों को थिएटर में लाने के लिए नाटककार की बीवियां जो थी वो खुद एक्टिव होती थी। तो हमारे साथ भी वही हुआ। मैं करीब 2 साल की थी जब पहली बार स्टेज के ऊपर मुझे गोदी में उठा के लेके गया थे, मेरी पहली अपीयरेंस थी। जो मेरी होश में, होशोहवास में मुझे जो पता है, मैं शायद 3rd क्लास में रही होंगी, 7-8 साल की उम्र होगी। तो एक नाटक था, मैं बहुत शाई थी तो मैं करना नहीं चाहती थी, रिहर्सल नहीं करना चाहती थी, सीधा नाटक स्टेज पे करना चाहती थी। तो मुझे रिहर्सल में मुझे लड़के का रोल दिया गया था, तो मैंने सोचा मैं लड़का, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का क्यों बनूं।
मैं लड़के के डायलॉग में जाता हूँ आता हूँ, मैं क्यों बोलूँ। तो स्टेज पे जब परफॉर्मेंस हुई तो पहली बार जो एहसास हुआ कि कॉस्ट डायलॉग्स का एहसास नहीं हुआ, स्टोरी लाइन का कुछ पता नहीं। जो पहली बार एहसास हुआ कि जब कपड़े पहनाए गए लड़के के और बाल बना दिए गए वैसे, और जब मैं मंच पे गई तो मैं खुद भूल गई कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, और मैंने लड़कों की तरह खुल के ऐसे एक्ट किया कि बाद में गवर्नर जो पंजाब के बैठे हुए थे उन्होंने उस जमाने में 1964 की बात होगी, 63-4 की, 100 रुपए का इनाम दिया। तो एक तो एहसास हुआ कि परफॉर्मेंस जो है उसमें कितनी ताकत है कि आप लोगों के सामने आते हो, आपको प्रशंसा मिलती है, आप इस तरह के माहौल में एक सब लोगों से अलग देखे जाते हो। स्थापति का वो जो एहसास है वो उस उम्र में उस तरह से हुआ कि उसके बाद से नाटक अच्छे लगने लग गए। तो पूरी मैं बच्ची थी, 8वीं क्लास में थी जब मैंने पहला नाटक लिखा और गली के बच्चों को इकट्ठा करके स्टेज किया। उसके बाद स्कूल में 9th से लेके 11th तक मैं अपने पिता के नाटक भी और कभी खुद लिख के स्कूल के बच्चों के साथ स्टेज करती थी, डायरेक्ट करती थी। कॉलेज में आई वॉज गिवन कॉलेज कलर, यूनिवर्सिटी में कॉलेज कलर, यूनिवर्सिटी कलर। ये सब बैकग्राउंड ऐसे माहौल की थी इस वक्त के, लड़कियां बहुत ज्यादा आगे नहीं आती थी इस फील्ड में। मेरे कंपटीशन भी जो होते थे वो ज्यादा लड़कों के साथ होते थे, वो माइम में हो, स्किट में हो, मोनो एक्टिंग में हो, नाटक में हो। और नाटक में अगर लड़की आती थी तो मेरी वजह से आती थी। और जो कॉन्सेप्ट थे दैट वाज, देर वॉज नो प्रोफेशनल थिएटर इन पंजाब एट दैट टाइम, देर वॉज प्ले राइट्स थिएटर। नाटककार का रंगमंच होता था, जिसका मतलब था वर्ड्स वर मोर इम्पोर्टेंट। नाटक के शब्द बोले जाते थे, शब्द कम्युनिकेट किए जाते थे, एक इम्प्रोवाइज सेट इरेक्ट किया जाता था। जो जरूरी चीजें हैं, कुछ चारपाई चाहिए, खाट चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, वो इम्प्रोवाइज करके उन एक्टिंग एरियाज में रख लिया जाता था। कोई तैयारी ऐसी नहीं की जाती थी कि सेट लगाया जाएगा, लाइटिंग इस तरह से होगी, जो लाइट्स अवेलेबल होती थी उस वक्त, जो लाइटिंग पे बैठता था वो अपने मर्जी से कुछ कर लेता था। मेन जो एम्फेसिस था वो परफॉर्मेंस पे था कि आप कैसी परफॉर्मेंस खुद निकाल लेते हो, कर लेते हो, या नाटककार आपको अपने वर्ड्स जो हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित करता है, डायरेक्ट करता है। नाटककार खुद ही डायरेक्टर था, खुद ही प्लेराइट था अपना। तो देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल थिएटर एज सच। हालांकि दिल्ली में 1966 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस्टेब्लिश हो गया था, शायद उससे भी पहले हो गया था, पर बाकी पंजाब का रीजन, साउथ में जो स्टेट्स है उनमें भी रिच परंपरा थिएटर की थी, पर पंजाब में इस तरह का जो था थिएटर बहुत ज्यादा होता था, उसकी कमी नहीं थी। अमेजर थिएटर, प्लेराइट थिएटर बहुत ज्यादा होता था, और एम्फेसिस जो था वो ये था कि नाटककार लिटरेरी प्लेज, रियलिस्टिक प्लेज, जिनमें बहुत ज्यादा तामझाम ना हो। धीरे धीरे 60s में नाटक की विधा बदलनी शुरू हुई, एक्सपेरिमेंटेशन होना शुरू हुआ, और 66 में हमारे वहां प्रोफेशनल थिएटर की शुरुआत हरपाल टिवाना ने की। तो ये स्थिति थी उस वक्त। 67 में थिएटर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, तो 66 से स्थिति बदलनी शुरू हुई थी। तो ऐसे माहौल में मैं वहां काम कर रही थी। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू हो गया था, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, कुछ इस तरह के नाटक जो यथार्थ की विधा से थोड़ा पराभौतिक विधा की तरफ, और नई नई विधाओं के एक्सपेरिमेंट जो थे वो होने शुरू हो गए थे। इसी बीच मेरी लगन, क्योंकि घर में माहौल वैसा था, मुझे कभी इस तरह की
समस्या नहीं आई कि लड़के लड़कियां इकट्ठे काम नहीं कर सकते। हमारे घर में रिहर्सल्स होती थी तो सब माहौल वैसा रहता था। इस माहौल में मेरी रुचि सबसे पहले नाटक के लिटरेरी रूप पे गई, लिटरेचर की तरफ मेरा ध्यान गया, और वो भी रीजनल लिटरेचर जो मेरी अपनी अपनी भाषा का था, जो मेरी अपनी जड़ों से रिलेट करता था, जिससे मैं रिलेट कर पाती थी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाबी लिटरेचर में किया। उसके बाद क्योंकि मैं थिएटर से बचपन से जुड़ी थी तो थिएटर वॉज माई पैशन, तो मैंने एमफिल में पीएचडी में थिएटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे रिसर्च की। प्रोडक्शन स्टाइल इन मॉडर्न हिंदी थिएटर मेरा पीएचडी का विषय था। तो अपने यूथ के 11 साल मैंने रिसर्च में बिताए, जिसमें मैंने थिएटर को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, थिएटर की विधाओं को समझना शुरू किया, थिएटर का ईडियम क्या है, थिएटर के मायने क्या है, थिएटर का मकसद क्या है, और अमेचर थिएटर में मैं इन्वॉल्व साथ के साथ हो गई। अमेचर थिएटर जो या मेरे फादर के नाटक या और प्लेराइट्स के नाटक। धीरे धीरे लेट 60s में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाटक देखने के लिए पटियाला से दिल्ली जाया करती थी, मेरे पिताजी साथ लेके जाते थे। तो एक्सपोजर हुआ उस तरह के प्रोफेशनल थिएटर की तरफ, नसीर, उत्तरा, सुरेखा, एमके रैना, ओमपुरी, इन लोगों के नाटक देख के, और नाटक का स्पेक्टिकल कॉन्सेप्ट डिजाइन ये सब देख के अवेयरनेस आई, प्रोफेशनल थिएटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी उस वक्त ये सब था, ये नहीं था कि हम किसी तरफ, हमारा एक्सपोजर नहीं था। एक्सपोजर लेने के लिए हमें अपने शहर से बाहर जाना पड़ता था, पर था ये सब कुछ। उसके बाद मैं थिएटर डिपार्टमेंट से जब जुड़ी तो मैंने जो हिंदी का के नाटक हैं, कुछ नाटक मैंने एनएसडी में देखे हुए थे, कुछ नाटक हिंदी के ऐसे थे जैसे बादल सरकार का प्ले है, बाकी इतिहास, आरजी अनंत का दल दल प्ले था, विजय तेंदुलकर का खामोश अदालत जारी है, ये तुगलक का अंधा युग, ये नाटक जब कोर्स में पढ़ाने शुरू किए, उनके अंदर के मतलब जान स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने शुरू किए, उनके साथ एक्सरसाइजेस करनी शुरू की, तो आई वाज ग्रोइंग अप अलोंग विद माय स्टूडेंट्स। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द लैंग्वेज ऑफ थिएटर। नाटक की भाषा कैसी होती है, क्या चीजें चाहिए होती हैं, कैसे दो पात्र आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और नाटक दर्शक तक कैसे पहुंचता है, और किस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, किस तरह वेशभूषा, सेट डिजाइन, लाइटिंग, म्यूजिक, ये सारी चीजें एक दूसरे से समन्वय में पैदा करती हैं और नाटक के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में करने में मदद देती हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी चकाचौंध वाली लग रही थी और पैशनेट ढंग से हम लोग ये कर रही थी मैं। इसी बीच थी मेरे इनिशिएटिव से हमने अपने थिएटर डिपार्टमेंट में कुछ पर्सनालिटीज को बुलाया उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो और ज्यादा विजन होराइजन ब्रॉड हुआ। उसमें हबीब तनवीर, शंभू मित्रा जी बंगाल से, सुरेश अवस्थी, शीला भाटिया, और मेरे फादर के कांटेक्ट के कारण हमारे घर में बड़े बड़े पंजाबी के जो महान नाम है वो हमारे घर में आ जाया करते थे। उनके साथ शिव कुमार बटालवी, गुरदयाल सिंह खोसला जैसे नावलकार, शोभा सिंह जैसे चित्रकार, बीसी सान्याल जैसे पेंटर, इन सबके काम को, इनके क्रिएटिव प्रोसेस को उनके साथ जब वो बातें करते थे, कम्युनिकेट करते थे, समझते थे, तो ये सारी चीजों ने उसमें एक हिस्सा दिया मेरी शख्सियत में। वो जो लैक करता था, जो नहीं था, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, वो सारी चीजें मैंने फील्ड में रिसर्च के दौरान, इन हस्तियों से मुलाकातों के दौरान, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाटक देखने के दौरान, ये सारी चीजें, और लिटरेचर ज्यादा से ज्यादा जो है वो पढ़ने के कारण, धर्मयुग, हंस,
और इलस्ट्रेटेड वीकली जैसे मैगजीन्स जो थे हमारे घर आते थे, दैट वाज द पीक ऑफ जर्नलिज्म आल्सो एंड लिटरेरी जर्नलिज्म आल्सो, जो वो हमारी खुशकिस्मती थी कि वो सब हमें पढ़ने को मिलता था। तो इन सारी चीजों ने एक विजन जो है क्रिएट किया, तो धीरे धीरे इस स्थिति तक पहुंचे कि मेरा रुझान जो है, मेरी रुचि किस तरफ है, क्या राइटिंग में है, क्या डायरेक्शन में है, क्या एक्टिंग में है, मैं क्या करना चाहती हूँ। विद्यार्थियों को मैंने ड्रामेटिक लिटरेचर पढ़ाना शुरू किया था और उनके साथ रिहर्सल्स करनी शुरू की थी, नाटक की रीडिंग्स करती थी, और कई बार जब उनको जरूरत पड़ती थी तो उनके स्टूडेंट प्लेज में मैं एक्ट भी करती थी। तो मैं सब कुछ करते थे, और करते हुए ये एहसास होता था कि इस क्रिएटिव प्रोसेस में आपको पता नहीं है आप क्या करना चाहते हो, बिकॉज ये एक कलेक्टिव आर्ट है। इसमें पेंटर की भी जरूरत है, म्यूजिशियन की भी जरूरत है, लिटरेरी पर्सन की भी जरूरत है, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, एक्टर चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, और अगर आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ की नॉलेज रखते हो, तो आप एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हो। तो कोशिश करते हुए अभी मैं रास्ता नहीं चुन पाई कि मैं क्या हूं, पर हाँ राइटर जरूर बन गई, क्योंकि पिताजी ने शुरू से ही मुझे उस तरफ रुचित किया था। तो कुछ नाटक लिखे, कुछ आलोचना की पुस्तकें, कुछ एनालिसिस की पुस्तकें, इंडियन थिएटर, कंपैरेटिव लिटरेचर, अभिनय कला, नाटकीय साहित्य, इस तरह की किताबों की रचना की मैंने। मैं 22 साल की थी जब पहली पुस्तक मेरी छपी थी पंजाबी थिएटर के नाम से, और पंजाबी लैंग्वेज में थी। तो ये सब चीजों के बीच में अब जब स्टूडेंट्स के साथ काम करने लगी तो उनकी प्रॉब्लम्स भी समझ में आए। स्टूडेंट्स जो उस वक्त, ये 70s की बात है, जो थिएटर में कितनी रुचि रखते थे ये आप समझ सकते हैं। वो जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलती थी वो आ जाते थे, और या कोई गलत सोच के कि यहाँ टाइम अच्छा पास हो जाएगा, बाद में ये करना है, बाद में विदेश चले जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एंड देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा इस तरफ अपना रुचि रखते थे और सचमुच में इस फील्ड में जाना चाहते थे। और दूसरी बात ये थी कि जितने भी पटियाला यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स आते थे, वो स्टूडेंट्स रीजनल एस्पिरेशंस के थे, वो रीजन से आते थे, ग्रास रूट लेवल से, गांवों से, पंजाब के गांव से, जिनका कभी कोई एक्सपोजर नहीं था, बट दे वर रिच विद देयर कल्चरल बैकग्राउंड। उनके पास वो खजाना था जो बाकी आर्टिस्ट के पास शायद नहीं होगा। वो खजाना जो है वो मैंने देखा कि उनके लिए, उनकी रुचि बनाने के लिए उनको एक थिएटर का ऐसा इडियम ढूंढ के दिया जाए, ऐसा मुहावरा ढूंढ के दिया जाए जो उनकी भाषा से, उनकी कल्चर से, उनके रहन-सहन से, उनकी बैकग्राउंड से मेल खाता हो, जिसको बहुत आसानी से वो पकड़ सके। तो उनके सामने अर्बन थिएटर या एलीट थिएटर का कोई महत्व नहीं था, पर कंट्राडिक्शन ये थी कि आप थिएटर में आप उनको पढ़ा रहे थे, ट्रेनिंग का हिस्सा था, तो वो भी करना जरूरी था। तो दोनों का समन्वय ढूंढने की कोशिश करते हुए थिएटर की एक लैंग्वेज को इवॉल्व करने की कोशिश की गई, जिसमें मैम सुमित सुमित जी आपको नमस्कार बोल रहा है आपके स्टूडेंट। नमस्कार मैम सुमित जी। सुमित जी के आने से एक बात और मेरे जहन में आई कि जैसे आपने बताया कि मतलब थिएटर पहले उतना उस तरह से नहीं होता था, कहीं ना कहीं ग्रीक थिएटर की याद आ जाती है कि वहां भी राइटर ही डायरेक्टर होता था, अभिनेता होता था, सारा कुछ ग्रीक में वही करता था शुरू में, शुरुआती दौर में। मतलब 60s को याद करके ग्रीक थिएटर। थिएटर गोविंद हर जगह नाटककार से ही शुरुआत हुई है। संस्कृत थिएटर में भी नाटककार ही अपना पेशकार था, ग्रीक थिएटर में भी था। शेक्सपियर वाज अ बिग प्ले राइट,
एंड ही इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि वो प्लेराइट्स ही अपने नाटक करते थे. अलग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट तो बहुत बात 18th सेंचुरी में सामने आया. गॉर्डन क्रेग जैसे लोग आए, फिर स्टंट साहब की, ये सब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. सो वी वर फॉलोइंग द सेम रूट. हम पंजाबी में भी वही रूट फॉलो कर रहे थे. एक बात है, जैसे आप लिटरेचर की बात बता रहे थे मैम, तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है ना पंचम वेद, तो नाट्य शास्त्र इतने सालों से है, तो उसको वैसी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जैसे स्टैनिस्लावस्की को मिली, मायाकोवस्की को मिली, ब्रेक को मिली, कहां वो चूक उसका होती है हमसे। उसका दोष कहीं हमारा है कि जब नाट्य शास्त्र की विधा के अनुकूल नाटक हो रहे थे, संस्कृत थिएटर अपने पीक पे था, जब वो डीजेनरेट होना शुरू हुआ और लोगों की भाषा में फोक थिएटर सामने आया, फोक थिएटर में भी नाट्य शास्त्र की विधा के सभी सभी तत्व जो है मौजूद हैं, पर उसको जब मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूलर थे, उन्होंने वेस्टर्न थिएटर का कॉन्सेप्ट लेके आए, जो क्या ये बोलते हैं, पारसी थिएटर, पारसी पारसी थिएटर पारसी कंपनीज ने, पारसी थिएटर कंपनीज ने पॉपुलराइज किया. हालांकि नाट्य वेद के अंश भी उसमें मौजूद थे, पर शेक्सपियरियन थिएटर का नाम दिया गया पारसी थिएटर को, और वो पॉपुलराइज इस तरह से हुआ कि वेस्टर्न थिएटर, रियलिस्टिक थिएटर, वेस्टर्न थिएटर जो है उसकी हवा पूरे हिंदुस्तान में छाई. और ये कलकत्ता से शुरू हुआ, कलकत्ता से शुरू होके पूरे नॉर्थ इंडिया तक, जितना भी उस पीरियड का आप लिटरेचर लेते हैं, ड्रामेटिक लिटरेचर लेते हैं, उसमें रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स पे नाटक हैं या पारसी थिएटर को फॉलो करने वाली पारसी थिएट्रिकल कंपनीज हैं. सो इसको रास लीलाओं तक नाट्य वेद मौजूद रहा, पर अभी हमने खुद ही खो दिया है कुछ. ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको समझ नहीं पाए, और हम आसान शब्दों में आगे अपने थिएटर आर्टिस्ट को कम्युनिकेट नहीं कर पाए. मैम, कहीं ये नहीं लगता कि मतलब जितने आसानी से अभिनय, आप तो बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अभिनेता है मैम, तो जितनी आसानी से लोग स्टैनिस्लावस्की, मेयर गोटोस्की को समझते हैं, थोड़ा कठिन होता है नाट्यशास्त्र के शुरू अभिनय को समझना। कठिन होता है क्योंकि वेस्टर्न थिएटर में कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कट है. उसमें तत्व जो है, आप स्टैनिस्लावस्की के मेथड को, इफ कंसंट्रेशन, गिवन सर्कमस्टांसेस, उनको बड़ी आसानी से डिपिक्ट कर सकते हैं. अब नाट्य शास्त्र में हाथों की मुद्राएं 64 हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते आपको महीनों लग जाएंगे. और ना उसमें नाटक के इतने सब क्लॉजेज हैं, नाटक कितने प्रकार का होता है वो आपको भूल जाएगा आप चलते चले जाओगे. तो वो इतनी ज्यादा डिटेल्ड स्टडी है कि उसके लिए हमें खास प्रोफेशनल लोग चाहिए. उसको अगर साधारण लोगों तक पहुंचाना है तो उसको आसान भाषा में किसी को लिखना पड़ेगा और थिएटर आर्टिस्ट तक पहुंचाना पड़ेगा. उसको मैम थोड़ा सा सरलीकरण में जाना पड़ेगा, हमें मतलब उस सरल सरलीकरण में आप जब तक ग्रास रूट तक साधारण रूप में नहीं पहुंचते, क्योंकि नाटक दर्शक के लिए है. पहले नाटक जो दरबारों में हुआ करता था उसमें विद्वान देखने आते थे, उसके बाद फोक थिएटर लोगों का थिएटर है, उसे डाइल्यूट किया संस्कृत थिएटर के तत्वों को. डाइल्यूट किया तो कॉमन मैन तक पहुंचा वो नाट्य वेद के ही सारे तत्व हैं जो फोक थिएटर में हमें मिलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, है, पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं. एक बात और कि मतलब अभिनय लोग सबको प्रिय लगता है, हर चौथा इंसान अभिनेता बनना चाहता है, तो अभिनेता बनना कितना सरल है और उसके लिए ट्रेनिंग कितनी जरूरी है और ट्रेनिंग कितना योगदान करती है, क्योंकि मैम आपने पढ़ाया भी है, किया भी है अभिनय, तो आप दोनों चीजें बहुत अच्छे से परिचित हैं मैम।
अभिनेता बनना मुश्किल भी है और आसान भी है बहुत। हम ये सोचते हैं कि हर कोई अभिनेता बन सकता है, पर अभिनेता को इंटेलेक्ट और सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग ये सब चाहिए। आप अगर अपने बारे में भी नहीं जानते, आप सिर्फ डायलॉग कुछ जैसे आमतौर पे क्या करते हैं, डायलॉग कुछ फिल्म के याद कर लेते हैं और कहते हैं क्विकली हमें ये सिखा दो कि इसको कैसे बोलना है ताकि हम बंबई चले जाएं और एक्टर बन जाएं अभिनेता, क्योंकि एक्टर दर्शकों के सामने तालियां बटोरता है, इसे हर कोई एक्टर बनना चाहता है। पर एक्टर बनने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सच में एक्टर हो कि नहीं हो। अगर बेशक खराब एक्टर हो, पर आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपको एक एक्टर बनना है। और मतलब इसमें बहुत प्याज के छिलके जैसी जैसा डिफरेंस है कि अब उनके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती जो आके चार डायलॉग बोल के कहते हैं कि मैं एक्टर हूं, मैं बहुत अच्छा, मैं ऐसे करके करके मेरा ड्रामेटिक तरीके से कुछ बोल के चला जाता है। पर अदाकार एक पात्र को करने के लिए सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेट्स की दी जा सकती है, ट्रेनिंग स्पीच की, हाव भाव की दी जा सकती है। पर जब आप एक कैरेक्टर करते हो तो उसमें डेफिनेट स्पीच और डेफिनेट हाव भाव नहीं होते। आप अगर 10 पात्र करोगे तो 10 पात्र की अलग बॉडी लैंग्वेज होगी, अलग आवाज होगी, अलग एक्सप्रेशंस होंगे, अलग तरह से वो बोलेगा। एक्टर पहले तो आप अगर किसी को एक्टर बनाना चाहते हो, आप सोचते हो कि ये मूर्ख है, इसको पता नहीं है ये एक्टर है कि नहीं है, मैं इसको अंदर से एक्टर ढूंढता हूँ, तो पहले उसकी सारी इनहिबिशंस खत्म करनी पड़ेंगी, पहले उसके अंदर की सारी गलतफहमियां दूर करनी पड़ेंगी, उसको जमीन पे लेके आना पड़ेगा कि तू कितना जानता है भाई। एक इंटेलिजेंट टीचर जो है, बिना उसकी बेइज्जती किए, बिना उसको एहसास दिलाए कि उसको नहीं आता या आता है कुछ, उसको उस लेवल पे लेके आता है, फिर उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करवाता है कि एक्टिंग के ट्रेट्स क्या है, इसके फिजिकल ट्रेट्स क्या है और इसके इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स क्या हैं। कि आप एक पात्र को समझने के लिए आप एक बच्चे को देखो, बच्चे जैसी क्रिएटिविटी है, आप बच्चे की तरह कहानी बना सकते हो, बच्चे की तरह एक्टमेंट कर सकते हो, बच्चे को कुछ पता नहीं वो क्या कर रहा है, क्या वो स्पॉन्टेनिटी है, क्या वो नैरेटिव स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप अपनी बात, बच्चा भाषा ठीक से नहीं बोल सकता फिर भी आपको अपनी बात कम्युनिकेट कर देता है उसकी नैरेटिव स्किल के बेस के ऊपर। और ये चीजें जो है अगर है तो कोई भी बन सकता है एक्टर। आई बिलीव इन कि अगर आप, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जिनको पता नहीं वो एक्टर हैं कि नहीं है, तो उनका क्या करती हूँ कि पहले तो उनकी भाषा में उनके गीत, उनके चुटकुले, उनकी कहानियां, उनकी फोक स्टोरीज उनसे सुनते हैं ताकि उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल का पता चल सके हमें, फिर उसको स्टेज पे जाके इनेक्ट करने के लिए कहते हैं, फिर उसको उस माहौल में डाल देते हैं कि उसको भी पता नहीं चलता कि मुझे एक्ट करने के लिए दे दिया गया है, उसके साथ स्टेज पे खड़े होके हम एक्ट करने लगते हैं, इनेक्ट करवाते हैं, उसके अंदर की सारी इनहिबिशंस खत्म करने के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग के दैट कुड रिलेट मोर टू हिज पॉसिबिलिटीज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, और फिर उसको बताया जाता है कि एक्टर ये है, फिर उसको डेफिनेट ट्रेट्स दे दिए जाते हैं कि एक्टिंग के लिए ये चीजें चाहिए। तो मुझे इस प्रोसेस में से निकलते हुए मैंने इसीलिए ये सोचा कि ये, और फिर इतने अच्छे एक्टर निकल के आए उसमें से, बहुत बढ़िया एक्टर, वो आजकल रीजनल सिनेमा में हमारे पंजाबी के बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट एक्टर्स हैं इस वक्त, क्रीम जो है पंजाबी सिनेमा की, वो थिएटर डिपार्टमेंट से निकल के गई है, उसके लिए वो
उनको अपनी भाषा समझ में आई, उनको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आई, उसके बीच में से निकल के जब उन्होंने अपनी जो उनके आसपास की जमीन की बातें हैं, पात्र हैं, उनको उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो जितनी अच्छी तरह से वो कर सकते थे कोई और नहीं कर सकता था। तो मेरे हिसाब से एक्टर जो है वो बन सकता है कोई भी, बॉर्न एक्टर नहीं है और बनाया हुआ एक्टर नहीं है, सिर्फ आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो संभावना होनी चाहिए। एक्टर के अपने कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, हाइट को लेके कॉम्प्लेक्स होता है, आवाज को लेके कॉम्प्लेक्स होता है, मेरे अंदर भी कई कॉम्प्लेक्सेस थे, और समझ को लेके कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरी इंटेलेक्चुअल समझ जो है वो इतनी नहीं है, ये सारी चीजों से डील करना पड़ता है, और ये एक्टर बन जाने के बाद भी डील करते रहना पड़ता है कि ये कैरेक्टर के लिए आपके पास जो फिजिकल ट्रेट्स हैं वो काम आने वाले हैं कि नहीं, और अगर काम लाने हैं आपने तो उनको क्या रूप देना है, किस तरह से उसको काम, कितनी कन्विक्शन से उस पात्र के अंदर जाना है, और आप थेरीज कितनी भी पढ़ा लें उनको, स्टैनिस्लावस्की पढ़ा लें, ब्रेक्ट पढ़ा लें, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पढ़ा लें, कुछ पढ़ा लें, जब आप स्टेज पे जाते हैं तो वो सारी थ्योरीज को जीरो करना पड़ता है पहले, और सिर्फ पात्र के अंदर जाना पड़ता है, तो आप पात्र के अंदर की गहराइयों तक, उस पात्र तक जब तक डाइव करते हैं, गोते लगाते हैं, तो आप पात्र की कितनी सारी संभावनाओं को पाते हैं। जी मैम, जरूर मैम। मतलब आप आदमी को खोजना तो पड़ेगा, जितना हम खोजेंगे उस चीजों को पाते आएंगे। मैम एक बात आपकी बातों से जहन में आई, आपने सीरियल में भी किया, फिल्मों में किया, रंगमंच पे भी किया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो रंगमंच है उसमें अभिनय करना फिल्मों तक पहुंचने का माध्यम है। तो क्या दोनों की ट्रेनिंग एक जैसी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, या उनका सोचना कि हम रंगमंच करेंगे तो फिल्म तक आसानी से पहुंच जाएंगे, बड़ा सुविधाजनक होगा, तो आपका उस विचार में क्या सोचना है मैम? ये गोविंद थिएटर बेस है, थिएटर की ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है, थिएटर की ट्रेनिंग नहीं तो थिएटर करना बहुत जरूरी है, वो आपका जो बेस है वो आपका रियाज है वो बनाए रखता है। बाकी आप टेलीविजन और सिनेमा में जब एक्टर बनते हैं, काम करते हैं, तो टेलीविजन की टेक्निकल फॉर्म है, सिनेमा की अपनी टेक्निकल फॉर्म है, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है कि आप कब कैमरे के कौन सी जगह पर आप खड़े हैं, कौन से एंगल पे खड़े हैं, आपके पूरे शरीर को हिलने की जरूरत है या केवल आपके चेहरे को हिलने की जरूरत है, चेहरे से भाव देने हैं या किस तरह से क्या करना है, ये सब चीजें जो है ये समझनी बहुत जरूरी हैं। ये अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स कर लेते हैं जिसमें एंगल समझ लेते हैं, एडिटिंग प्रोसेस समझ लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि इस एंगल से, और एक ही डायलॉग, एक ही सीन आपको कई कई बार अलग अलग एंगल से करना पड़ता है, तो क्या वो भावुक पेस कायम रख सकते हैं, वो मूड कायम रख सकते हैं, जो एक बार आपने शॉट दिया, अगला शॉट इस तरफ कैमरा आया तो वही डायलॉग बोलना है, तो अगर आपने उसकी कॉन्टिन्यूटी बना के नहीं रखी है मूड की, तो वो एडिटिंग में लगेगा नहीं, आपने कितनी भी अच्छी एक्टिंग की है वो कट जाएगा। तो ये टेक्निकल समझ ज्यादा जरूरी है, परफॉर्मेंस, क्योंकि कैमरा आपके बहुत नजदीक है, आपने माइक लगाया हुआ है, आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपके हाव भाव जो नेचुरल होंगे, थिएटर में 100 लोग या 200 लोग या 1,000 लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको ऊंचा बोलना पड़ता है, आपको ब्रॉडर एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। सिनेमा और थिएटर में ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल जैसे जिंदगी जी रहे हैं, आपको उसी तरह से पात्र जीना पड़ता है, आप ब्रॉडर करेंगे तो डिस्टॉर्ट करेगा कैमरा और वो आपको नहीं पकड़ पाएगा, तो इस तरह की बारीकियां सीखने की जरूरत है, जो एक्सपीरियंस से और लगन से एक्टर जो है वो अपने काबिलियत से पकड़ पाता है, तो वो उतना मुश्किल नहीं होता, असल मुश्किल है कैरेक्टर को पकड़ना, कैरेक्टर को समझना, वो आप थिएटर में रियाज करके, रोज रिहर्सल करके कर सकते हो।
मैम, जैसे आपने बोला कि आपका जो लिखने की कला आपने आई वो फादर की वजह से आई, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से इंस्पायर होते हैं, प्रभाव पड़ता है, फिल्मों में प्रभाव पड़ता है बहुत सारे एक्टर्स को देख के। लेकिन मैम रंगमंच में कैसे करें, क्योंकि रंगमंच में वो आइडियल जगह ही नहीं बनती जहां पे जाके कोई आइडियल मिले जिससे हम प्रभावित हो। तो इतने साल से रंगमंच हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कोई ना कोई आइडल आइडियल या आइडल सबका होता है। उन्होंने अपने सामने, जैसे गांव में कोई छोटा मोटा गाना गाने वाला देखा, उसको इतनी तालियां मिली, तो आप उसको आइडलाइज करने लगते हो, उसकी तरह गाना गाना चाहते हो। कोई भान मिरासी आए, उन्होंने तालियां बटोरी, तो आप भी भान बनना चाहते हो। छोटा बच्चा जैसे करता है, मैं सिपाही बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, उस तरह से आइडल आइडलाइज करने के लिए तो कोई ना कोई होता है। क्योंकि तालियां बटोरना का वो है कि आपको प्रशंसा चाहिए, आप लोगों के बीच में आपको अपनी अपनी जगह चाहिए, अपना स्थान चाहिए, आप उसलिए लड़ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी, जैसे मैं अपने पिताजी को आइडोलाइज करती थी, बेशक वो एक्टर मेल थे, फीमेल नहीं थे, पर फीमेल में मैं सिनेमा देख के मैं वहीदा रहमान को आइडोलाइज करती थी, मैं मीना कुमारी को आइडोलाइज करती थी। बहुत हीरोइन थी जो मुझे, मैं बहुत पसंद थी, मैं थिएटर परफॉर्मेंसेस में उनको कॉपी करने की कोशिश किया करती थी। तो आइडियल या आइडल सबके आई थिंक होते हैं। जी मैम, मैम एक चीज और, जैसे हम थिएटर करते हैं तो आपने कहा कि उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और जितना चीजें हम पढ़ पाए, जान पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, तो क्या फिल्मों में जब आप एक्टिंग करते हैं तो वहां भी पढ़ाई के बारे में उतना ही रिसर्च, उतना ही काम, उतना ही वर्क करना होता है? अगर टेलीविजन में कोई अच्छा प्रोग्राम, जैसे गोल्डन पीरियड टेलीविजन का था, 90s का पीरियड, उसमें लिटरेरी कहानियां नॉवल एडाप्ट करके किए जाते थे, और जो ओरिजिनल भी होते थे वो भी उस तरह के लेवल के होते थे कि बहुत डिटेल में काम किया जाता था। तो पात्र को अच्छी तरह समझ के, सब करके, रिहर्सल्स करके। मैं 79 से टेलीविजन में हूँ, तो पहले चार्ल्स डिकन का नॉवल डेविड कॉपरफील्ड पहला किया था, जिसकी राइटिंग में मैं किसी हद तक शामिल थी, मेरे पति उसमें एक्टिंग कर रहे थे। तो उसमें कितनी डिस्कशंस होती थी, क्या कुछ नहीं होता था। आजकल टेलीविजन की जो सीरियल्स आज बहु कर करके बन रहे हैं, अभी मैं इश्कबाज कर रही थी, उसमें भी बेशक कल्ट सीरियल बना इश्कबाज, बेशक अभी तक पहचाना जाता है, उसके पात्र अभी तक जाने जाते हैं, पर उसमें भी वो डेप्थ जो थी वो नहीं थी। उसमें भी हर रोज एयर पे जाने का कंस्ट्रेंट होता था, एक्टर्स उस तरह से अपने पात्र पे काम नहीं कर पाते। फिल्म में ये लिबर्टी होती है, फिल्म में आप अगर आप कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं तब तो कोई स्कोप ही नहीं है। अगर जैसे आजकल सिनेमा का रूप चेंज हो गया है, तो अच्छा काम होने लगा है, तो हर चीज पे काम होता है, तो पात्र पर भी काम होता है। तो ये विवशताएं तो हैं ही। हमने अपनी जिंदगी में जितने सीरियल किए दूरदर्शन के लिए, वो सारे आज तक 20 साल बाद भी इसीलिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें वो डेप्थ जो थी, हम लोग गोल्डन पीरियड में काम कर रहे थे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे। तो वो अभी तक मुझे याद है, हमने एक फिल्म की थी चिड़ियों का चंबा, तो वो एक लड़की घर से भाग के पुलिस स्टेशन पहुंच गई, कहती उसको पूछा, ढूंढते रहे उसके घर वाले कहाँ चली गई, तो पुलिस स्टेशन पता चला पहुंची है। तो पुलिस वालों ने पूछा क्यों भागी घर से, कहती कल एक फिल्म आई थी रात को चिड़ियों का चंबा, मैंने वो देखी, तो वो लड़की घर से भाग जाती है, उसके साथ इतना ये वो लड़कियां पैदा करती है, वो अपने ये करना चाहती है, एक सोशल मैसेज था उसमें, तो उससे प्रेरित होकर वो घर से भाग जाती है।
ये पावर थी उसकी। एक रानी कोकिला फिल्म कर रहे थे हम, तो उसमें एक फोक परफॉर्मर को एक फिल्म मेकर छुड़ा के लेके जाती है। फोक परफॉर्मर अपने की एक बूढ़े से शादी हो रही है, तो वो उसको लिबरेट करना चाहती है, उसको अपनी फिल्म में काम देना चाहती है। तो वो फिल्म मेकर उसको छुड़ाती है। मैं वो फिल्म मेकर का रोल कर रही थी, तो मैं बस में जा रही थी, एक गांव की औरत मेरे पास बैठी थी, मेरे साथ की सीट में। वो पहले मुझे देखती रही, फिर बोली, बेटा तू वही है ना जिसने वो लड़की छुड़ा दी थी, तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत भला काम किया, शाबाश, तो ऐसे ही काम करते रहना। तो वो जो पावर है सिनेमा की, टेलीविजन की, जबरदस्त पावर है। एक तो वो रीच है कि थिएटर आप कुछ 100 लोगों तक, 1000ों लोगों तक पहुंचाते हैं थिएटर में। उस वक्त 90s में टेलीविजन में बहुत चैनल भी नहीं होते थे, दूरदर्शन वॉज द ओनली चैनल, और करोड़ों लोगों तक आप इमीडिएटली पहुंच जाते थे। तो उसकी जो पावर है, वन वुमेन फ्रॉम साउथ इंडिया आफ्टर अवर सीरियल अफसाने वॉज टेलीकास्ट, उसमें एक कॉमेडी स्टोरी थी, उसको देख के उसने चिट्ठी लिखी हमें एड्रेस ढूंढ के मेरे हस्बैंड की डेथ 3 महीने पहले हो गई थी, मैं 3 महीने हंसी नहीं, आपके प्रोग्राम ने मुझे हंसा दिया। दैट वॉज द पावर ऑफ इट। देन देर वॉज अ कश्मीर स्टोरी कि एक कपल है, लेबर क्लास कपल है, वो अपनी बच्ची को 20 साल बाद ढूंढने जाते हैं। उनको 20 साल बाद चिट्ठी मिलती है कि आपकी बेटी वहां है। वो छोटी समझते हैं, बेटी तो बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है। उसकी जर्नी दिखाई गई है, वो एंड तक अपने पेरेंट्स को मिल नहीं पाती, एंड में एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वो फ्लाई कर चुकी है। तो एक चिट्ठी हमें दूरदर्शन में चिट्ठियां आई कि आपने ये बहुत गलत काम किया जो लड़की को पेरेंट्स से मिलाया नहीं है। ये पावर है काम की। वो अगर आप दर्शक तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। हम लोग एक्चुअल लोकेशंस पे शूटिंग करते हैं, गाड़ी में शूटिंग कर रहे थे, गाड़ी में शूटिंग करते करते एक फौजियों का डिब्बा था, तो मैं अपना सीन खत्म करके उसी डिब्बे में चलती रही, गाड़ी में ट्रेन में चढ़ने लगी कि अगले स्टेशन पे सारे उतर जाएंगे। फौजी मुझे चढ़ने नहीं दे रहे थे, मेरे कॉस्ट्यूम को देख के। मैंने वो यूपी की भैयन की तरह लेबर क्लास की वो साड़ी पहन रखी थी, तो उन्होंने सोचा ये कोई ऐसी है, वो मुझे नीचे धक्का दे रहे थे। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश, उनको बताया कि मैं एक्टर हूँ, तो उन्होंने मुझे इस तरह की मेक बिलीव। आप अगर एक एक्टर कर पाता है तो वो एक सक्सेसफुल एक्टर है। एक फिल्म आई थी जो बहुत अच्छी फिल्म थी, मुक्तिधाम, क्योंकि इस तरह की फिल्में अभी तो बननी बंद हो गई, अपने समय से हट के बनाई गई, तो उसमें आपने काम भी किया था। मैं चाहूंगा थोड़ा सा वो शेयर करें कि कितना काम, कैसे, क्या उसमें भी रिसर्च वर्क, उसमें रिसर्च वर्क तो हुआ होगा, मैं, क्योंकि वो अलग तरह का ही काम था। वो रिसर्च वर्क शुभाशीष ने किया था, जो डायरेक्टर थे और राइटर थे। जब हम ऑन बोर्ड हुए एज एक्टर्स हुए, हम लोगों ने ऑडिशन दिया, मेरे हस्बैंड उसमें मेन रोल कर रहे थे, और मैं सीरियसली नहीं ले रही थी उस फिल्म को। मुझे था कि मेरे हस्बैंड के लिए ये फिल्म है, वो मेन रोल कर रहे हैं। तो मैं उस वक्त कोई और फिल्म कर रही थी, एक कमर्शियल फिल्म कर रही थी, तो मुझे कास्ट किया गया, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये रोल नहीं कर सकती क्योंकि डेट्स क्लैश हो रही है, मैं उसी समय दूसरा काम कर रही हूँ। देन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कन्विंस्ड मी टू डू दिस रोल, दो रोल इज स्मॉल, एंड माई हस्बैंड वॉन्टेड मी टू बी विद हिम इन बनारस। तो मैंने फिर वो फिल्म छोड़ के ये फिल्म की। प्रोसेस एक्टर का क्या है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है जब आप शुरू शुरू में काम स्टार्ट करते हो। जब आप ये काम लगातार कर रहे होते हो तो आप कैरेक्टर में आसानी से निकल सकते हो, आसानी से कैरेक्टर में जा सकते हो। आपको क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट चाहिए जहां वो कैरेक्टर है। द मोमेंट वी रीच बनारस, हम सेट पे पहुंचे, सेट में माहौल वैसा था, सेट का एनवायरनमेंट
रियलिस्टिक गंगा किनारे, वो घर था जो उसका सेट बनाया हुआ था, वहां पहुंचते ही कॉस्ट्यूम पहनते ही आप ट्रांस में चले जाते हो, उस कैरेक्टर में चले जाते हो। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि यहाँ मैंने ऊपर लुक दे के रुकना है, यहाँ मैंने पीछे मुड़ के देखना है, यहाँ मैंने हंसना है, यहाँ मैंने सटायर से बोलना है, व्यंग से बोलना है या इससे समझाना है। ये सब जो बातों की सोचने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट गो, यू जस्ट बी द कैरेक्टर एंड यूज योर ओन बॉडी लैंग्वेज। जो आपकी आइडेंटिटी है, नवनिंदर बहल की आइडेंटिटी है, उसकी जो बॉडी है उसी के हाथ पैर चलेंगे ना, वो जैसे चलती है उसको सिर्फ उस कैरेक्टर में बदल देगी। उस कैरेक्टर में आके वही हाथ पांव जो है, वही बाजू, वही चेहरा, वो उस पात्र के भाव पकड़ लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कब उस भाव तक पहुंच के वो ऑडियंस तक वो बात कम्युनिकेट करता है। ये फिल्म के लिए एनडीटीवी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अमंग्स द 10 टॉप बेस्ट एक्टर्स ऑफ द ईयर, उसमें मुझे 5वें नंबर पे रखा था, उनको छठे नंबर पे रखा था। और उस समय की जो कमर्शियल फिल्में थी, बड़े बैनर्स की फिल्म थी, उनके साथ टकराव था। तो क्या है कि आपको एफर्टलेस काम करना पड़ता है, आप पता नहीं चलने देते कि आप पात्र कर रहे हो, आप पात्र को जी लेते हो, आसानी से धीरे से जी लेते हो। मैं बात कहें अभिनेता की, तो हर अभिनेता कहीं ना कहीं धीरे से वो फिल्मों की तरफ चले आता है। उसका एक कारण ये है कि रंगमंच व्यवसायिक नहीं हो पाया। लेकिन शुरू से अगर बात कहें तो बॉम्बे में मतलब मराठी थिएटर हमेशा से व्यवसायिक रहा, गुजराती रहा, असमीज रहा, तो हम कभी उसे प्रभावित होके कमर्शियल क्यों नहीं बना पाए, क्यों नहीं बन पाता वो हमारे जो आप थिएटर को? कह रहे हो रहा, मैं नहीं मानती कि वो रहा। वो किसी ना किसी तरह रोटी पैसे कमाते हैं थिएटर में से, पर उतना नहीं कमा पाते जितना है, जीने के लिए काफी होता है। सब जगह स्ट्रगल है। और बात ये है, गोविंद, सोसाइटी इवॉल्व होती है। पहले मनोरंजन का साधन कोई और नहीं था, नाटक था। तो नाटक वॉज अवर फिल्म एट दैट टाइम। पूरी पूरी रात नाटक होता था। तो नाटक हमारा बेस है, उसके बिना हम किसी काम के नहीं है। पर वक्त बदलने के साथ, टेक्निक बदलने के साथ, नई विधाएं आने के साथ, इंसान को भी बदलना पड़ता है, समाज को भी बदलना पड़ता है। नई विधाओं को हम नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो हमें थिएटर में रोजी रोटी ढूंढने नहीं जाना है। अब मेरा कहना यह है, थिएटर बंद नहीं होगा, थिएटर मरेगा नहीं। थिएटर आपके रियाज के लिए, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्टर बनने के लिए भी 20 साल थिएटर करना पड़ेगा, और अच्छा एक्टर बनने के बाद भी करते रहना पड़ेगा ताकि आपके अंदर की कला जिंदा रहे, ताकि आपके आपकी प्रैक्टिस, म्यूजिक का तो एक कमरे में रियाज हो जाता है, डांस का भी हो जाता है, थिएटर एक्टर कहाँ रियाज करेगा? उसको थिएटर हॉल में ही रियाज करना पड़ेगा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। तो ये उसको पैसा टेलीविजन और सिनेमा से कमाना पड़ेगा, और अपने अपनी कला को जिंदा रखने के लिए थिएटर करते रहना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, मैं गलत हो सकती हूँ। गलत की बात नहीं है, लेकिन अगर लंदन की बात करें तो वहाँ थिएटर तो बड़ा कॉमर्शियल ही है। मतलब इतने थिएटर है, इतना कॉमर्शियल है कि फिल्म उतनी नहीं चलती जितने थिएटर चलते हैं। कि जब मैं गया था तो मैंने देखा 60 60 साल से एक नाटक चला जा रहा है और चल रहे हैं वो परफॉर्मेंस। तो यहाँ कोई कोशिश वैसी क्यों नहीं होती? मतलब ऐसा क्वेश्चन मन में आता है। मैं हाँ, वहां रिच ट्रेडिशन शुरू से प्रोफेशनल थिएटर की है, और वहां एक एलीट ऑडियंस है। गरीब ऑडियंस तो वहां भी थिएटर देखने नहीं जा पाती होगी। हिंदुस्तान का 80% तबका गरीब है, लंदन में ऐसा नहीं है।
आप पैसे रख सकते हो अपने मनोरंजन के लिए, नाटक देखने जाने के लिए। इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में एलीट थिएटर तो जिंदा है, जिसको मैं फैशनेबल थिएटर कहती हूँ। जो अर्बन थिएटर है वो तो जिंदा है। पृथ्वी थिएटर में थिएटर होता रहेगा, दिल्ली के कमानिया ऑडिटोरियम में, श्रीराम सेंटर में थिएटर होता रहेगा। थोड़ा बहुत पैसे कमाते रहेंगे, स्पॉन्सर्ड शोज होते रहेंगे। अर्बन थिएटर और एलीट थिएटर इंग्लैंड में भी जिंदा रहेगा, यहाँ भी जिंदा रहेगा। और अगर मेरा मानना यह है कि जहाँ सोसाइटी जो है इस तरह के हालत में जीती है, पहले हमें उस सोसाइटी का स्तर ऊंचा चूकना उठाना पड़ेगा और उस सोसाइटी के लेवल तक जाके उसकी मानसिक संवेदनाओं को, उसकी शारीरिक संवेदनाओं को, उसकी सामाजिक संवेदनाओं को समझना पड़ेगा, तब हम प्रोफेशनल थिएटर के बारे में सोच सकते हैं। पहले रासलीलाएं होती थी, पारसी थिएटर होता था, वो कमर्शियल थिएटर ही था, पर थोड़े थोड़े पैसे का टिकट होता था या मुफ्त में होता था। सरपंच कुछ पैसे रासलीला मंडली को दे देता था, उसी में अपना गुजारा चलाते थे वो। पर अब ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन मैम आसाम में तो अभी भी जो मोबाइल थिएटर होता है वो लोग तो काफी पैसे अर्न कर लेते हैं, मतलब लोग चाहते हैं मोबाइल थिएटर से जुड़ना और उसमें काम करना। तो उनसे जाके सीखना पड़ेगा वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैम एक चीज और, क्योंकि मैंने देखा है कि जो अभिनेता होते हैं हमेशा ये कहते हैं बैक स्टेज उनका काम नहीं है, बैक स्टेज से वो क्यों जुड़े, उनका काम तो सिर्फ अभिनय करना है। तो बैक स्टेज से एक अभिनेता का कितना संबंध होता है, कितना जरूरी है उसे जानना। एक अभिनेता की के सफर की शुरुआत चाय देने से होनी चाहिए, थिएटर की घंटी बजाने से होनी चाहिए, उसके बाद बैक स्टेज में उसको हर एक का असिस्टेंट बनना चाहिए, कॉस्ट्यूम बाद में संभालने चाहिए जब एक्टर परफॉर्म कर ले, प्रॉपर्टीज की देखरेख करनी चाहिए। हम जो थिएटर ट्रेनिंग देते हैं अपने डिपार्टमेंट में देते हैं, उसमें यही सब करते हैं। बारी से रोटेशन से आप असिस्ट करते हैं, एक प्रोडक्शन में दूसरी प्रोडक्शन पे आप मंच में एक्टर के रूप में काम करते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर आप थिएटर के हर एस्पेक्ट को नहीं जानते तो आप कंप्लीट आर्टिस्ट भी नहीं है, कंप्लीट एक्टर भी नहीं है। अगर आपको पता है रोशनी मेरे मेरे ऊपर यहाँ से आ रही है, ये एंगल से आ रही है, तो आप ज्यादा अच्छी तरह ऑडियंस को अपना चेहरा दिखा पाएंगे उस एंगल से। अगर आपको पता है ये रंग जो है इस कैरेक्टर को ऐसे जचता है, ये मूड के साथ ये रंग का कॉस्ट्यूम चाहिए, तो एक एक्टर जो है ज्यादा पैशनेट और अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका बैक स्टेज के काम से कोई ताल्लुक ना हो, उसका हर एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक होता है और होना चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप पढ़े हैं, आपने देखा ही है, आप सब कुछ करते हैं, बाद में अपना कॉस्ट्यूम भी संभालते हैं, अपना मेकअप भी खुद करते हैं। हाँ मैं बिल्कुल, वहां तो धीरे धीरे लोगों की आदत पड़ती है, रेपिट्री में और आदत पड़ती है। लेकिन शुरुआती दौर में हर जो अभिनेता बनता हुए कि वो भ्रम तोड़ने पड़ेंगे ना हमें जी, क्योंकि उनको लगता है कि बैक स्टेज उनकी नहीं है, उनको तो अभिनय करना है, सिर्फ जाके डायलॉग्स बोलने, तो इसलिए था। मैम आपके साथ एक अपने स्टाइल की थिएटर, एक ऐसा स्टाइल थिएटर का इवॉल्व किया जा सके जो लोगों से रिलेट कर सके, डायरेक्टली रिलेट कर सके, जो पीपल ओरिएंटेड हो। मतलब एक ऐसा थिएटर जो सिर्फ लिमिटेड दर्शकों तक पहुंचे, वो थिएटर जो है वो अपने पूरे संदर्भ जो है वो पूरे नहीं कर सकता, वो पूरा अपना काम पूरा जिम्मेदारी से पूरा वो नहीं। अगर आपके पास दोनों का नाटक का स्पेक्टिकल अलग चीज है, चकाचौंध अलग चीज है, नाटक का तथ्य जो है, वस्तु जो है, वो दर्शक तक पहुंच सके, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको स्पेक्टिकल में चकाचौंध में लपेट दोगे तो वो पहुंचेगी नहीं। तो पीपल्स थिएटर इज नीडेड आई थिंक। और जो रिहर्सल्स हैं, जो रिहर्सिंग स्पेसेस हैं,
को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ क्या समझ में आएगा, कहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, उन स्पेसिस को एक्सप्लोर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस लैंग्वेज ऑफ थिएटर विच कैन एनरिच पीपल्स लाइव्स, उनकी जिंदगी को, उनकी सोच को बदल सके. थिएटर सिर्फ एक स्पेक्टिकल का जरिया ना हो, थिएटर आपको सोचने के लिए मजबूर करे, ऐसा थिएटर इवॉल्व करना चाहिए. और थिएटर की ट्रेनिंग के लिए एक्टर को खास मूवमेंट में, खास स्पीच के पैटर्न में, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ज्यादा फैशन था, अब क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, कि उस तरह के ढर्रे में बांध दिया जाता है, तो वो हर तरह के पात्र को करने के लिए उसी तरह की स्पीच का पैटर्न, उसी तरह के मूवमेंट, डेफिनेट मूवमेंट्स यूज करते हैं. इन सबसे एक्टर को लिबरेट करने की जरूरत है. आप एक्टर को लिबरेट करो और बीच में अपने आप को लिबरेट करो. आप इस तरह से रिहर्सल स्पेस में उनको भेजो कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी बॉडी को, जैसे तैरता है पानी में आदमी, उस तरह अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करें, बॉडी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें इंटेलेक्चुअल थिएटर की नहीं, एक साइकोलॉजिकल, और क्या उसको बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं समझ आ रहा, जी साइकोलॉजिकल लेवल पे एक डायलॉग की जरूरत है, एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढने की जरूरत है कि थिएटर जो है डिस्कशंस में ना पढ़ के सीधा, मीटिंग्स और डिस्कशंस का सेशन ना होके सीधा इनेक्टमेंट सेशन में तब्दील हो, ये मेरा मानना है. जी मैम, आपसे जितनी बात करें उतना ही कम रहेगा, उतना ही मतलब हमें लगेगा कि और बातें होती रहे और बातें होती रहे, कि इतना कुछ सीखने को है और इतना सारा भंडार है ज्ञान का कि मैं क्या कहूँ मैम। मतलब एक घंटा ऐसे ये तो बीत गया कि आपका पता प्रोडक्शन नहीं। है बेटा. नहीं मैम, मतलब टीचरों से हमेशा सीखने को बहुत मिलता है मैम, तो मैंने भी बहुत सारी चीज सीखी और जो लोग देख रहे हैं वो भी सीखेंगे। अभी मैं बहुत सारे लोगों से शेयर भी करूंगा ये मैम। तो मैम बहुत जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मैम आज गपशप में आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मैम, और बहुत सारी चीजें हमें पता चली मैम। बहुत धन्यवाद बेटा मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।